आजकल जम्मू कश्मीर में बिलडोजर राज चल रहा है जनाब। हर सुबह कई एक बिलडोजर हर बस्ती में जाते हैं और बस्ती में तजावजात खत्म करने के नाम पर छोटी छोटे गरीब घरों को बिस्मार कर रहे हैं। अब जनाब माजूर नगर हो, पातशाही बाग हो, जनाब उसन हो, जनाब अभी जो कठवा वाली बस्ती हो, तो जनाब हर जगह आज बुलडोजर राज, और ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि ये कहीं पर वेस्ट बंगाल या कहीं और मुल्क कोई है जहां पर ये प्रोग्राम चला रहे जा रहे हैं। जनाब जो हमारा मुल्क है वो रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है, यहाँ पर कानून की अमलदारी है, कानून की कोई अमलदारी ही नहीं। अब जनाब दिल्ली में हमने इसी सरकार ने 1700 बस्तियाँ रेगुलराइज की और वहाँ पर घर के घर मुस्मार किए जा रहे हैं इस नाम पर कि ये जी सरकारी जमीन में 2000 फुट की, 1000 फुट की, 1200 फुट की जमीन पर। तो जनाब सरकार ने खुद बिठाए और सरकार ने बिठाए थे मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत। अब जनाब यहाँ पर बॉम्बे हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, आबादी नसब बॉम्बे जनाब सरकारी जमीन पर है, गुजरात 35% सरकारी जमीन पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग से एक कानून है। जम्मू कश्मीर को माना नहीं जाता कि यह मुल्क का हिस्सा है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक अफसरशाही से एक बिल्कुल एक ऐसे जुल्म सितम है जो जुल्म सितम का कोई भरोसा कोई हिसाब ही नहीं है। अब जनाब नहीं कोई नोटिस है, नहीं उनको अपना पक्ष रखने की कोई मौका दिया जाता है। तो जनाब ये नई एक होगी। अब जनाब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ सब नॉर्मल है, अगर सारे मुल्क के लिए जमहूरियत है तो वहाँ जम्मू कश्मीर के लिए आप जमहूरियत को क्यों नकार रहे हैं? और जमहूरियत के जम्मू कश्मीर के लिए आप नई एक पॉलिसी की है जिस पॉलिसी से वो आती है कि एक कम्युनिटी को बांटा जा रहा है, एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक खास रीजन को टारगेट किया जा रहा है। जनाब इसके असरात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जब तक कि आप जनाब इसको रिवर्स नहीं करेंगे, जनाब मुल्क के लिए ये ठीक नहीं होंगे। जनाब 125 करोड़ की आबादी में आप डेमोग्राफी का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं बहनान की जो बात है, ये डिमोलिशन का ड्राइव जो है इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, पहले रोक दिया जाए, और जनाब और अगर कहीं पर कुछ है तो लोगों को एक मौका फराहम किया जाए कि हर एक अपना। थैंक यू सर।